हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कविंद्र चौहान नाम का एक सब्सक्राइबर है, कविंद्र चौहान, उन्होंने कमेंट में पूछा है, सर जी मोड़ पे बाइक एकदम से स्लो कैसे करनी है, क्या करना है, ऐसे उन्होंने कमेंट में पूछा है। तो थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, टर्निंग पे कभी भी ब्रेकिंग करने की कोशिश ना करें, है ना, इसे याद करना है। अभी बात हुई स्लो कैसे करना है, तो ऐसे सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि टर्निंग पे हमें बाइक को स्लो करना है एकदम से, ऐसे सिचुएशन है क्योंकि बाइक ऐसी आपकी टेढ़ी हुई रहेगी, टर्निंग लेते बोले तो टेढ़ी हुई रहेगी। आपने अगर ब्रेकिंग किया भले से आगे गया पीछे का, तो व्हील स्किट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसके लिए प्रैक्टिस की भी जरूरत है, लेकिन ज़्यादा करके ये फंदे में ना पड़े, मोड़ पर कभी पर ब्रेकिंग करना नहीं चाहिए, नहीं तो व्हील स्किट हो जाएगा। मोड़ आने के पहले, टर्निंग आने के पहले हमें देखना पड़ेगा बाइक का स्पीड कितना रखना है, क्या करना है, वो देखना पड़ेगा। पहले ही ब्रेकिंग करना है टर्न आने के पहले, मोड़ आने के पहले। मोड़ आने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकिंग करते तो व्हील स्किट हो सकता है, गिर सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उन्होंने जो कमेंट किया एकदम से स्लो करना है, तो नहीं स्लो करना है, पहले सोचना है टर्निंग के समय। अगर आगे अगर दिख रहा है आपको टर्निंग के बाद कोई नहीं आ रहा है, तो स्पीड में आप जा सकते हैं, बाइक को लीन करके झुका के जा सकते हैं। लेकिन आगे कुछ है तो आपको फास्ट लेने की जरूरत नहीं, जो भी कुछ काम करना है टर्निंग के पहले, मोड़ आने के पहले आपको बाइक का गियर वगैरह डाउन करना है या ब्रेकिंग करके स्लो करना है, टर्निंग पे नहीं करना। तो छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात है, बहुत जन ऐसे करते हैं टर्निंग पे ब्रेकिंग करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कैसे गिर सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, बाइक का बैलेंस कभी जाएगा, जब बाइक टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन चलते हुए रहेगा तो बाइक गिरेगी नहीं, लेकिन ब्रेकिंग करेगा तो व्हील को रोकेगा, ब्रेक क्या करेगा, व्हील को रोकेगा, जिससे व्हील कैसे स्किट हो जाएगा, सीधा रहेगी बाइक स्ट्रेट लाइन में, तो इतना कोई वांधा नहीं। लेकिन मोड़ पर अगर आप कोशिश करते टर्निंग पर ब्रेकिंग करने का, तो अच्छी बात नहीं, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, बाइक स्किट हो सकती है, तो ऐसी प्रैक्टिस ना करें। टर्निंग आने के पहले आपको सोचना है बाइक को स्लो करना है या नहीं, आगे का सिचुएशन देख के। दोस्तों, इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो के माध्यम से लेके आते रहता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।